ओके मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, आवर करेंट टॉपिक इज मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, द करेंट टॉपिक जो हमारा अभी लेटेस्ट, ये जो वीडियो हम लोग अभी बना रहे हैं ये कौन से टॉपिक पर है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल टॉपिक पे चल रहा है, ठीक है। इसी पे हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, बार बार वॉच कीजिए तो समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल एज द नेम सजेस्ट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो रिलेशन विद डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड था। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने का एक मेथड था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कोई पॉइंट चार्ज होगा, या चार्ज पार्टिकल होगा, या चार्ज सोर्स होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज पार्टिकल या किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। लाइक दैट हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल में भी आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, ठीक है। इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर का मतलब यह है कि एक दूसरे से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, या नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये सब के सारे फील्ड पोजिशन के साथ विथ डिस्टेंस के साथ अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पोजीशन के साथ क्या करते हैं, घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि मान लो ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल से हम दूर जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। क्या होता जा रहा है भाई, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ, इसका फील्ड, इसकी क्षमता घटता हुआ जा रहा है। इसकी क्षमता क्या है, घटता हुआ जा रहा है। लाइक दैट अगर हमने उतने ही स्ट्रेंथ का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को बना दिया तो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यहां होगा, फिर धीरे 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 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटते हुए चली जाती है, ठीक है। तो समय के साथ नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रेस्पेक्ट टू सेपरेशन, विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल्सो चेंजेस। चेंजेस मीन्स इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज कर सकता है या नहीं तो डिक्रीज कर सकता है, ओके। अगर ये डिक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा, तो हम किस चीज से इसको बयां करेंगे, कैसे हम बयां करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज करे डिक्रीज करे तो उसको बयां करने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया भाई, किसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल है क्या, या एक्चुअली पोटेंशियल तो नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। होता क्यों नहीं है, क्योंकि हम पोटेंशियल को एक एट ए पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, किसी रिफरेंस पॉइंट को लेके हम डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है वो एक्चुअली क्या डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। तो यहां आप टॉपिक ये भी डाल सकते हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या डाल सकते हो भाई, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो या मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, बढ़ना तो पोटेंशियल के बारे में ही है। तो देखिए क्या है, ये जो हमने लिखा है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज नोन एज स्मॉल पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बहुत स्मॉल। तो हमने जो लिखा यहां पर स्मॉल चेंज का मतलब क्या है, बी डॉट डी आर वेक्टर, बी डॉट डी आर वेक्टर का मतलब क्या होता है उसको समझिए। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी सोर्स के वजह से है, ये हमने मान के रखा है कि यहाँ पोल स्ट्रेंथ जिसका एम है और यहाँ पे सेपरेशन आर इधर जा रहा है, तो जैसे जैसे इस पोल से हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, घटता हुआ चला जा रहा है,
क्या होता जा रहा है भाई, घटता हुआ चला जा रहा, चाहे वो प्लस पोल स्ट्रेंथ हो या नहीं तो माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घटता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे इससे दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है, घटता हुआ जाएगा, दिक्कत नहीं, घटना जरूरी है। तो यहां हमने एक स्केलर क्वांटिटी लिया, चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने इसको डिफाइन किया, दैट इज ऑफ निगेटिव ऑफ बी डॉट डी आर। और निगेटिव क्यों लिया हमने, निगेटिव क्यों लिया हमने, ये सिंबल बता रहा है डिक्रीमेंट को, ये सिंबल बता रहा है कि ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, स्ट्रेंथ घट रहा है, स्ट्रेंथ घट रहा है। ये जो स्ट्रेंथ घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, किसके रेस्पेक्ट में घट रहा है, क्या वो टाइम के रेस्पेक्ट में घट रहा है कि पोजिशन के हिसाब से घट रहा है, विथ विच रेस्पेक्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है किसके रेस्पेक्ट में घट रहा है। तो यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट के पोजिशन के रेस्पेक्ट में घट रहा है, इसीलिए हमने निगेटिव साइन रखा। तो जब घट रहा है तो उस चीज को हम लोग किस चीज से डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे समझाएंगे, तो उसको समझाने के लिए बताने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया, स्मॉल मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस और वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लिया वो क्या है, पहला V1 मैग्नेटिक पोटेंशियल, दूसरा V2 मैग्नेटिक पोटेंशियल। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, V2 माइनस V1, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पे इंटीग्रेट करेंगे हम, यहां पे इंटीग्रेशन लगाएंगे R1 वेक्टर से लेकर R2 वेक्टर तक, तब हम इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे V2 माइनस V1, और इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे V.dr। अब जो रिजल्ट आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, और कैसा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा भाई, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल रखा था ना, एलिमेंट्री चेंज इन पोटेंशियल बताया था, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बने लार्ज ही बता दिया। तो R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, कितना चेंज कर रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, ये मैं बता रहा हूं। चेंज का मतलब दो चीजें होता है, या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द चेंज इन एनीथिंग। चेंज अगर किसी भी चीज में हम खोज रहे हैं, इट मींस वी आर गोइंग टू आइदर इंक्रीज इट और डिक्रीज इट, है चाहे उसको इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं तो उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो V2 माइनस V1 पूरा इंटीग्रेशन लगा के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सवाल ये था कि एक किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन करना था, और यही मेथड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी लगाया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी लगाया था, अब यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल में भी लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ऑल आर द सिमिलर थिंग्स। ठीक है, बट वहां पे ग्रेविटेशनल में क्या होता था, मास होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज होती थी, और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आता है। तो सवाल ये है कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे दूसरा डाइपोल हो, दूसरा पोल हो इनफाइनाइट सेपरेशन पे, तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एट इंफिनिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, जीरो हम मान के चलते हैं, होता नहीं है, ये हमने एज्यूम करके चला है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज एज्यूम टू बी जीरो फॉर ए पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। पोल स्ट्रेंथ जिसका स्मॉल एम वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया हमने, ठीक है, एक पोल स्ट्रेंथ जो हमने माना है वो क्या है, और कितना भी पोल हम अगर इंफिनिटी पे रख लें, कितने भी इंफिनिटी पे, एक इंफिनिटी पे हमने कितना भी पोल रख लें, नॉर्थ पोल साउथ पोल किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में ले लें, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होगा, जीरो, हम एज्यूम करके चलते हैं, इट इज एज्यूम्ड नॉट एग्जैक्ट, ये एज्यूम्ड कर लिया जाता है, ये इससे पहले भी हम बता चुके थे। तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो आपको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है या बढ़ रहा है या कौन से पोजिशन पे कितनी है, यही चीज इसका काम है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल का मेन काम क्या होता है, इट इज द फॉर्मूला टू टेल अस दैट एट विच पॉइंट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू इस पोजिशन, पोजिशन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करता है। ठीक है, वो मैं समझा रहा हूं।
ठीक है, ये एज्यूम कर लिया हमने, ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेपरेशन आर और मैग्नेटिक फील्ड एट ए पोजिशन आर वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ बी डॉट डी आर फ्रॉम इनफिनिटी टू आर, फ्रॉम इनफिनिटी टू आर, एंड वी हैव एज्यूम दैट मैग्नेटिक पोटेंशियल एट इनफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। और हमने क्या पता कर लिया कि मैग्नेटिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होती है। ठीक है, चलिए आगे कोई बात नहीं है। तो किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में देखिए यहां पे लिखा हुआ है अलोंग ए गिवन डायरेक्शन, अलोंग ए गिवन डायरेक्शन इफ आवर लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, डीएल लेंथ वेरी फॉर ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर बाद में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बताऊंगा। एल के लेंथ में इधर आ रहा लाइक दैट। अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन तो आप क्या बताओगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पे वाई और जेड क्या होना चाहिए, वाई कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन देन इट इज द पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल इन वाई डायरेक्शन इन विच कंडीशन एक्स एंड जेड आर कॉन्स्टेंट। थर्ड कंडीशन ये भी हम सोच सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल इन जेड डायरेक्शन वेयर वाई एंड जेड आर, वाई एंड एक्स आर कॉन्स्टेंट। ये सब चीजें पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम लोग जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर आपको पोटेंशियल दी हुई है, मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया हुआ हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दी हुई हो, तो आप उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड भी आराम से फाइंड कर सकते हो बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। डायरेक्शन दे चुके हैं, वो अलोंग ए गिवन डायरेक्शन दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग L length में इतना मैग्नेटिक फील्ड अंदर रखा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। चलिए अब सवाल ये है कि इससे पहले हम लोग नॉर्थ पोल या किसी भी पोल के वजह से जो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, mu not upon 4 pi small m by r square, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ड्यू टू ए पोल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये दोनों चीजें इसके ऊपर डिपेंड करता है और इस दोनों रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ रही है कि आर क्या है, आर इज द सेपरेशन फ्रॉम द पोल हुज पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल एम। ठीक है, mu not upon 4 pi की वैल्यू पावर पता है 10 to the power minus 4। ठीक है, जो भी यूनिट है आप जानते होंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां देखिए वी वी हमने लिखा है मैग्नेटिक पोटेंशियल, वी वी का मतलब है मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। तो किसी एनी पॉइंट पी पे आप डिफाइन कर सकते हो, बस आते इंफिनिटी पे आप जीरो मान लो या किसी दूसरे पॉइंट पे कुछ और मान लो और वहां पे जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां चलिए आपको मैग्नेटिक फील्ड तो पता है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल भी तो आप निकाल सकते हो। मैग्नेटिक पोटेंशियल कैन बी गिवन एज नेगेटिव ऑफ बी डॉट डी आर, बी डॉट डी आर, और आप क्या करोगे इन्फिनिटी से आर तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल को जीरो मानोगे जो हमने पहले एज्यूम किया है। अगर आप जीरो नहीं मानोगे, कुछ और वैल्यू मान सकते हो तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे फिजिस्ट ने क्या दिया, इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल को जीरो बना दिया है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो बी डॉट डी आर यहाँ पे हमने लिखा नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आई आर स्क्वायर डी आर। तो जो कहानी आ रही है वो कहानी क्या आएगी, वो कहानी कुछ इस तरह से आएगी, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को लगाओगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने लिखा एम बाई आर, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एनी पोजिशन आर, इस तरह से हम लिखते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल इस तरह से आ रहा है। डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो आप डायग्राम भी लिख सकते हो, ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछेगा तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। पहले मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे आर पोजिशन वेक्टर के हिसाब से अगर देखोगे तो हाइपरबोलिक इक्वेशन कुछ तरह से आएगा, व्हेन आर टेंड्स टू इंफिनिटी मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू जीरो, इफ आर टेंड्स टू जीरो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंटीमेट हो रहा है। इस तरह से हमने आपको बता दिया मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल जो हमने टॉपिक बताया आपको। फिर इसी टॉपिक का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, किसी भी एक्सिस के अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं विद ईज, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है तो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी समझ लिया। हो सकता है जेई मेंस एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आए तो सतर्क रहना चाहिए, बस आप प्रैक्टिस रखो, समझो तो हम कहानी को, इस चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।